जय माता दी दोस्तों, आज आपका ये दोस्त राकेश बंसल शेयर करेगा आपके साथ एक हॉट स्टॉक अलर्ट। जी हाँ, मैं निकाल के लाया हूँ एक हिडन जेम जिसकी ज़्यादा बातचीत नहीं होती है। टेक्निकली फंडामेंटली ये स्टॉक गेयर्ड अप है फॉर एन एक्सप्लोजिव रैली। 20-25% का अपमूव पॉसिबल है इन नेक्स्ट 30 डेज। कंपनी का नाम है अनमोल इंडिया लिमिटेड, सिंबल आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, प्राइस भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। देखिए, इस स्टॉक को पहले भी मैं 2 बार रिकमेंड कर चुका हूँ, हर बार रिकमेंडेशन के बाद मेरे टारगेट अचीव हुए हैं। लास्ट रिकमेंड करा था मैंने 19 जनवरी 2022 को, उस टाइम पर प्राइस था 196 का। अब आप पूछेंगे कि भैया तो गिर गया, भैया गिरा नहीं है, मेरी रिकमेंडेशन के बाद कंपनी ने डिक्लेयर करा 4:1 बोनस। बोनस के लिए दाम को एडजस्ट करें तो एडजस्टेड रिकमेंडेड प्राइस आती है 49 रुपीज़ का, वहाँ से ऊपर चल रहा है। और जैसे कहावत भी है ना, ऑलवेज ऐड टू योर विनिंग पोजिशन, तो अब समय है फर्दर ऐड करने का। जिन्होंने ले रखा है वो होल्ड टाइट, सेट टाइट, जिनके पास नहीं है इन स्तरों पर खरीदारी की राय है। देखिए, अनमोल इंडिया को देखें तो कंपनी है इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कोल एंड कोक। मेजर कस्टमर देखें कंपनी के हैं तो मेटल एंड सीमेंट कंपनीज हैं भारत की। अनमोल इंडिया के पास एक मेजर मार्केट शेयर है इन यूएसए कोल। देखिए, कोल इंडिया को देखें तो लार्जेस्ट कोल माइनर है विश्व का, वर्ल्ड का, लेकिन फिर भी हम सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कोल जो है ना इंपोर्ट करते हैं। जैसे कि कुकिंग कोल जो कि यूज होता है इन द स्टील इंडस्ट्रीज, अराउंड 80% ऑफ कुकिंग कोल जो है ना इज इंपोर्टेड इन इंडिया, दस क्रिएट होती है ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द कंपनी। देखिए, कंपनी का देखें तो एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, मिस्टर विजय कुमार जी CFO एंड MD हैं, इनके पास मोर देन 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इन दिस बिजनेस। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट देखें तो डेटर डेज हैं मात्र 17 डेज के, कैश कन्वर्जन इज हार्डली 68 डेज। और देखिए, जो अनमोल इंडिया इज प्लानिंग टू डाइवर्सिफाई एंड इंक्लूड मोर कॉमोडिटीज अदर देन कोल, आयरन पैलेट्स एंड सोडा ऐश। अनमोल इंडिया को देखें तो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है कंपनी, हैज अ मोबाइल ऐप फॉर रियल टाइम अपडेट ऑन प्राइस एंड बिडिंग फॉर B2B कस्टमर्स, मोर देन 2000 कस्टमर्स आर यूजिंग दिस एप्लीकेशन। पिछले 2 क्वार्टर्स में देखें तो कंपनी ने ऑलरेडी डिलीवर कर दिया है 70% ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 EBITDA एंड 66% ऑफ PAT, विच शोज फाइनेंशियल ईयर 24 ईयर ऑन ईयर ग्रोथ विल बी स्ट्रॉन्ग। देखिए, यहाँ पे देखें तो हाई ग्रोथ बिजनेस एट रीजनेबल वैल्यूएशन मिल रहा है। 5 साल की सेल्स की ग्रोथ देखें तो 36% की है, PAT की ग्रोथ देखें तो 46% की है, ROE 27% की है, मार्केट कैप टू सेल्स रेशो 0.3 टाइम्स है, कैश पर शेयर 26 रुपए है। बोर्ड की मीटिंग है 15 दिसंबर की टू कंसीडर फंड रेजिंग फॉर नेक्स्ट लीप ऑफ ग्रोथ एंड एक्विजिशन अपॉर्चुनिटीज। देखिए, फंडामेंटल्स तो मैंने आपके साथ शेयर करे और अब मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ इसका टेक्निकल चार्ट। चार्ट आपके सामने है, स्टॉक जो है ना खुले नीले आकाश, ब्लू स्काई जोन, अनचार्टेड टेरिटरी में है और एक बड़ा अपमूव देखने को मिल सकता है। और मेरे टारगेट्स हैं यहाँ पर 80 रुपीज़ के, और मुझे लगता है ये टारगेट्स बाय जैन 2024 एंड से पहले पहले हमें देखने को मिल जाने चाहिए। दोस्तों, ये था मेरा हॉट स्टॉक अलर्ट जिसमें मैंने शेयर करा एक हिडन जैम जो कि सेट रेडी है फॉर एन एक्सप्लोजिव रैली। एट द एंड दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है तो, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक जो है कमेंट में शेयर कीजिएगा। थैंक यू। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। Read all the related documents carefully before investing. Past performance does not guarantee future returns.